हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर जर्नी। और आज हम जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12818 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 3 दिन चलती है, मंडे, थर्सडे और फ्राइडे को, आनंद विहार और हटिया के बीच में। आनंद विहार से इसका चलने का टाइम रात को 8:45 पर है और अगले दिन शाम को 4:45 पर हटिया पहुँचती है। तो करीब 20 घंटे में 1305 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। एवरेज स्पीड रहती है इसकी 65 किलोमीटर पर आवर की। और दोस्तों, बात करें इसके कोच कंपोजिशन की, तो ये 2 सेकंड AC के कोच, 3 3rd AC इकोनॉमी के कोच, 5 AC 3rd के कोचेज और 7 स्लीपर कोचेज और 2 अनरिजर्व कोचेज के साथ चलती है। दोस्तों, आज हम जर्नी करने वाले हैं इसमें 3rd AC इकोनॉमी कोच में। तो चलते हैं अपने कोच में। आज है अपना कोच M2। और सीट नंबर है 44 लोअर बर्थ। The next morning. तो करीब 1.5 घंटे की देरी से हमारा अराइवल हो रहा है DDU जंक्शन पर। और यहाँ हमारी जो ट्रेन का स्टॉपेज टाइम है वो 10 मिनट का है। नाश्ता बोलिएगा, गरम नाश्ता होगा। और करीब 11 मिनट रुकने के बाद हमारा डिपार्चर हुआ है DDU जंक्शन से और हम बढ़ चुके हैं अब अगले स्टेशन की ओर। करीब
130 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंचे अपने चौथे हॉल्ट भगुआ रोड स्टेशन कोड BBU और ये आता है बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, इसको ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे और ये आता है अंडर DDU डिवीजन। 2 मिनट का स्टॉपेज टाइम है, यहाँ पर हमारी ट्रेन का पहुँचने का 7:48 का टाइम था लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं करीब 1.5 घंटे के डिले से। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो गया भगुआ रोड से। करीब 877 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम पहुंचे अपने 5वें हॉल्ट सासाराम जंक्शन स्टेशन कोड SSM। 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, यहाँ पर 11 ट्रैक्स हैं और ये आता है बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में और 2 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज टाइम है। यहाँ पहुंचने का टाइम था 8:22 पर और हम पहुंचे हैं करीब 10 बजे। 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद सासाराम जंक्शन से हमारा डिपार्चर हो गया। करीब 895 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटे की देरी से हम पहुंचे अपने 6वें हॉल्ट देहरी ऑन सोन स्टेशन कोड DOS। 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, इसको ओपन किया गया था 1906 में और यहां पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज टाइम है और ये भी आता है बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। तो करीब 911 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम पहुंचे अपने 7वें हॉल्ट अनुग्रह नारायण रोड। 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और यहां पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज टाइम है। पर इस स्टेशन का नाम बिहार के प्रथम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह नारायण जी के नाम पर रखा गया है। तो करीब 11 मिनट रुकने के बाद अब हमारा डिपार्चर हो रहा है अनुग्रह नारायण रोड से। करीब 980 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंचे हैं अपने 10वें हॉल्ट गया जंक्शन स्टेशन कोड GAYA और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और वैसे यहाँ हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम 10:05 था और हम पहुंचे हैं 11:50 पर। और गया जंक्शन जो है वो 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, इसको ओपन किया गया था 1879 में और ये आता है बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में।
तो करीब 1056 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुँचे कोडरमा जंक्शन स्टेशन पर। क्या हुआ यहाँ पर, हमारी ट्रेन का पहुँचने का टाइम 10:56 था और करीब 2 घंटे की देरी से हम पहुँचे हैं। कोडरमा स्टेशन जो है ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में आता है, झारखंड के ईस्ट सेंट्रल रेलवे को ऑपरेट करता है और ये आता है धनबाटी। तो आइए देखते हैं इसके वॉशरूम की कैसी कंडीशन है। सामने मिरर है जो कि साफ सुथरा है, ऊपर लाइट, नीचे एसी साफ सुथरा है और इसमें जो पानी आता है वो फुट ऑपरेटेड है। नीचे से इसको प्रेस करें जाए तो ऊपर पानी आता है फ्लश के लिए। बायो टॉयलेट लगा हुआ है, एयर फ्रेशनर, हर सेकेंड डे की जरूरत है और वॉशरूम की कंडीशन बढ़िया है। और कोच में आपको वाटर बॉटल होल्डर, मोबाइल होल्डर, चार्जिंग सॉकेट, एडजस्टेबल ट्रे, यूएसबी पोर्ट मोबाइल चार्जिंग के लिए और रीडिंग लैंप, ये सुविधाएं मिल जाती हैं। तो करीब 1150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम पहुँचे हैं अपने 12वें होल्ड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन जोमो, स्टेशन कोड GMO। 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, इसको ओपन किया गया था 1906 में और इसको ईस्ट सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करता है और ये आता है धनबाद डिवीजन के अंतर्गत। करीब 1 घंटे 40 मिनट की देरी से हम पहुँचे हैं अपने 14वें हॉल्ट बोकारो स्टील सिटी, स्टेशन कोड BKSC। 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन, इसको ओपन किया गया 1961 में। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो गया बोकारो स्टील सिटी से। करीब 1 घंटे 40 मिनट की देरी से हम पहुंचे अपने 15वें हॉल्ट मूरी जंक्शन, स्टेशन कोड MURI। 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और इसको ओपन किया गया था 1907 में और इसको ऑपरेट करता है साउथ ईस्टर्न रेलवे और ये आता है अंडर रांची डिवीजन और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है।
तो निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटे की देरी से हम पहुंच चुके हैं रांची अपनी आज की डेस्टिनेशन। तो ट्रेन है वो हटिया तक जाती है जो कि यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर दूर है, और पंक्चुअलिटी तो आपने देख ली कि हम 1.5 घंटे देरी से यहाँ पहुंचे हैं। और जर्नी एक्सपीरियंस इसमें ठीक रहा, थर्ड एसी की तरह एक जर्नी थी, बस सीट्स थोड़ी सी कंजेस्टेड थी। तो बात करें इसके फेयर की तो स्लीपर का फेयर 595 रुपये, थर्ड एसी इकोनॉमी का फेयर 1460 रुपये, थर्ड एसी का 1560 और सेकेंड एसी का 2225 रुपये। और दोस्तों थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी के फेयर में केवल 100 रुपये का डिफरेंस है, और थर्ड एसी में आपको बेडरोल मिलेगा और थर्ड एसी इकोनॉमी में आपको बेडरोल नहीं मिलेगा। तो आज की जर्नी में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।